होने लग गया कि भाई भगवान चोरी वालों का भी साथ देता है, ये गलत बात है। फिर आजकल की पीढ़ी में यही प्रभाव पड़ेगा। श्रद्धा एवं विश्वास है सांवरिया जी सेठ पे, तो इस तरह की कोई भ्रांति नहीं फैलनी चाहिए। फिर ये जो ये भजन है कि ये कर दो और वो कर दो और गाड़ियाँ दिला दो, वो तो सब वाहियात है मेरे हिसाब से, ये सब एकदम बेकार है। उन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, उन्होंने कभी कथाएं नहीं सुने, उन्होंने उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो ही ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म क्या है, ठाकुर जी क्या है, उनकी भक्ति करने से क्या हो सकता है, उनके श्रृंगार का वर्णन करो, उनके प्रति अपने प्रेम का वर्णन होना चाहिए। आज का जो युवा वर्ग है ऐसे भजन सुनेगा वो ऐसा ही सीखेगा। मैं सांवलिया जी के दरबार में हूँ, कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर वो इस पूरे मामले को लेकर वो क्या सोचते हैं। जैसे पुजारी गणों ने भी आपत्ति उठाई, सवाल उठाए, मंदिर मंडल ने FIR भी दर्ज करवाई, अब श्रद्धालु इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या नाम है? लीला अटल, नागौर से। अच्छा, ये कि सांवलिया जी के प्रति जो आमजन की श्रद्धा है, अभी जो भजन गाए जा रहे हैं राजस्थान में अलग अलग जगहों पर, कैसे देखते हैं? ये एक हिसाब से गलत है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भगवान के प्रति। लेकिन साथ श्रद्धालुओं की अलग अलग है मान्यता, श्रद्धालुओं पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर दो नंबर के काम वाले को बढ़ावा मिल जाएगा कि हाँ भाई भगवान दो नंबर वालों का काम करता है। किसी सोजनों में किसी एक आध का सक्सेस हो जाता है तो ऐसे होने लग गया कि भाई भगवान चोरी वालों का भी साथ देता है, ये गलत बात है। फिर आजकल की पीढ़ी में यही प्रभाव पड़ेगा, कहने प्रतिबंध लगाना ही चाहिए। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ममता बियानी। आप ये पूरे जो मामला चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? इसको एक्चुअली ये सब क्या है ना कि सब अपने अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मोड़ देते हैं। मेरा ये मानना है कि ठाकुर जी है ना वो भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक है, ठीक है, हमारी उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना वो दे सकते हैं उतना तो अपन मांग ही नहीं सकते हैं। वो उनकी सोच इतनी बड़ी है कि वो क्या से क्या नहीं दे सकते, उतना अपन सोच ही नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले तो भगवान से मांगना ही गलत है। फिर ये जो ये भजन है कि ये कर दो और वो कर दो और गाड़ियाँ दिला दो, वो तो सब वाहियात है मेरे हिसाब से, ये सब एकदम बेकार है, यूजलेस। अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, भजन भी वो होने चाहिए जो हम गा सके, जो भगवान को भी अच्छे लगे, जो तत्व वो अभी उसमें ठाकुर जी की व्याख्या होनी चाहिए, अपना धर्म का उसमें वर्णन होना चाहिए, तो आज की पीढ़ी भी कुछ सीख सके इन सब से, है ना। क्योंकि हमें तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत ही पता है, हमारे माता पिता को जितना था वो आज हमको भी नहीं पता, क्योंकि अपने तो कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़ते। अपने यहाँ कौन से ग्रंथ, कौन से गीता, कौन से वेद, कोई नहीं पढ़ता। गीता के एक श्लोक पूछ लो, किसी को नहीं पता है। तो ये सब चीज़ें भजनों में डालो ना थोड़ा, ताकि आज की पीढ़ी को पता चले कि हमारा धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, ठाकुर जी क्या है, उनकी भक्ति करने से क्या हो सकता है, उनके श्रृंगार का वर्णन करो, उनके प्रति अपने प्रेम का वर्णन होना चाहिए। क्या OTT भी आने से कोई भी चीज़ भगवान के लिए कुछ भी दिखा देते हैं। मैंने एक वो सीरियल भी चल रही है महाराज करके, उसमें जो पुष्टि मार्ग का दिखाया वो पूरा ही गलत है, उसके खिलाफ FIR हो चुकी है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये गलत है। लोग तो वही देख रहे हैं, लोगों को तो वही लग रहा है ये पुष्टि मार्ग का धर्म है, ये नहीं है, धर्म कुछ और है एक्चुअली। तो वो इन पे वो इन सब के लिए एक वो होना चाहिए, OTT के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ जाके वो चेक हो सके, और धर्म का तो स्पेसिफिकली होना चाहिए कि आप कुछ भी नॉनसेंस नहीं दिखा सकते हो, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये अपमान है हमारे धर्म का, बिल्कुल। तो ये एकदम बंद होना चाहिए और प्रतिबंध होना चाहिए, ये मैं इस बात को मानती हूँ। बिजनेस होना ही नहीं चाहिए, भजन जो आपकी श्रद्धा है उसमें तुम अगर बिजनेस घुसाओगे तो कैसे चलेगा, वो बहुत गलत है। मुझे लगता है कि ये सब बंद होना चाहिए। श्रद्धा एवं विश्वास है सांवरिया जी सेठ पे, तो इस तरह की कोई भ्रांति नहीं फैलनी चाहिए कि सांवरिया सेठ मन और विश्वास से हम पूजा के लिए आते हैं देश विदेश से। तो ये ऐसे इंसान जो बोल रहा है उसको पूछो तुम एक नंबर ही हो क्या भैया? ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, उन्होंने कभी कथाएं नहीं सुने, उन्होंने उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो ही ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करते। अगर सत्संग में एक बेसिक बात कर रहा हूँ, भजन, भजन का मतलब क्या होता है? तो वो होता है भगवान के चरणों से लेके उनके श्रृंगार का वर्ण और उनकी भक्ति, आपके अंदर जो भाव होगा वो भजन के रूप में परिणित होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप ये, और ये जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करते क्यों करते हैं, वो लोगों रोचक बनाते हैं उसको,
रोचक बनाते हैं और मतलब जैसे कि ऐसे वो उसको रिमिक्स डालते हैं कि जैसे कि वो फिल्मी टोन का रिमिक्स डालेंगे तो उससे क्या कि पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए। बाकी उन अगर भाव से अगर भजन और उसमें रिदम का भी जरूरत नहीं है, भाव से मीरा माई ने कैसे भजन गाए थे, उन्होंने क्या सुर ताल सीखा था कहीं से? बिल्कुल नहीं सीखा था, वो एकदम पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी उन्होंने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो उनके शब्दों में क्या था? कुछ नहीं था। लेकिन आज एक वैसे भजन नहीं, आज के गायक क्या करते हैं ताकि उनको कोई बुलाए, जागरण में बुलाया जाए, उनको इनकम ज़्यादा हो, इसलिए ऐसे ऐसे भजन बनाते हैं। भाव से जो भजन गाए थे वो भजन का, और देखिए फिल्मी गानों के ऊपर कितने भजन बन गए। तो ऐसे गलत शब्दों का इस तरह सरासर खंडन करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए ऐसे गायकों की। और उनको हमारे धर्म की हम रक्षा करने के लिए कौन करेगा? धर्मों रक्षति रक्षित है। अगर हम हमारे धर्म के ऊपर कट्टर नहीं होंगे, रक्षा नहीं करें, तो कोई दूसरा नहीं कर सकता हमारे धर्म की रक्षा, उनको भी ज़्यादा मौका मिलेगा। इसलिए हमें तो अपने धर्म को, सनातन धर्म को, वैदिक सनातन धर्म को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। आपको लगता है जो ऐसे पहले इस तरह के जो भजन पहले अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब या जो भी चैनल पे, हटने चाहिए? अगर हम लोग साथ नहीं देते ना, जब व्यूवर्स साथ नहीं देगा तो अपने आप हट जाएंगे। वो व्यूवर्स जो उनको पॉपुलरिटी बढ़ाते हैं, व्यूवर्स साथ देता है, तो इसीलिए वो चलते रहते हैं। सबको उनका विरोध करना चाहिए तो अपने आप हटेंगे और इस बनाना छोड़ेंगे। कमेंट जो लिखते हैं ना, कमेंट में लिखना चाहिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके भजन क्यों बना रहे हो। जब ऐसे आप सब कमेंट में खराब कमेंट जाएंगे उनके, तो अपने आप नहीं लिखे, आगे से बनाया नहीं जाए। जो बनाए आप क्षमा मांगिए। बिल्कुल, ये चीज़ें वास्तव में आप बहुत अच्छी जानकारी दी। वास्तव में अगर ऐसे भजन सुनने वाले ही नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ें कम ही आएगी। आपका मेरा नाम परमेश्वरी है। ये जो वास्तव में आपने जो बताया, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये इस तरह के जो भजनों का, इस शब्दों का जो इस्तेमाल, इस तरह के शब्दों को थोड़ा सा उनको रोकना चाहिए, क्योंकि इस तरह का प्रचार सही नहीं है। क्या अपने बिजनेस के हिसाब से जब कर रहे हैं ना पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जो नई पीढ़ी है वो इस बात को समझ नहीं रही है ना, तो बच्चों में इस तरह के हम शुरू से संस्कार दें कि हम अपने धर्म और संस्कृति को पहचाने और ठाकुर जी के मनोभाव से जो है ना वो आप दिल से, सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में हमको इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। आज का जो युवा वर्ग ऐसे भजन सुनेगा वो ऐसा ही सीखेगा, ऐसा ही सीखेगा। आज देखो मीरा बाई के, रेदास जी के, कबीरदास जी के, सूरदास जी के, तो सूरदास जी के भजन पहले भी चलते थे और आज भी हम मानते हैं उनके पदों को। और ये नए नए हैं ना, ये युवा पीढ़ी को ख़राब कर रहे हैं। युवा पीढ़ी आज जब ये सुनेगी तो धीरे धीरे वो ऐसे ही सुन के बड़ी होगी और अपनी नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन को वो यही सिखा पाएगी। तो ऐसे शब्दों का मतलब उनको खुद को लज्जा आनी चाहिए कि हम क्या कर क्या रहे हैं। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको, अपना ये नहीं करना चाहिए। एक जैसे कुछ शोभा यात्राएं निकलती है धार्मिक अपने हिंदू धर्म संस्कृति में, उसमें क्या होता है कि शोभा यात्रा में कुछ डीजे तो होता है लेकिन ठाकुर जी, भोलेनाथ, अलग अलग हनुमान जी पैदल चलते हैं और उनको 5-5 रुपए देते हैं, तो आप ठाकुर जी के परिवेश में आप ये कैसी भिक्षा मंगवा रहे हैं उनको? या तो आप उसमें विराजित कर सकते हैं झांकी के रूप में, रथ में विराजित कर फिर ले जाओ ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी बोलो, मैंने पहले बोला एक अपनी कमाई के लिए खाली कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के पास पैसा की कमी है, उनको क्यों पैसा चाहिए? आज हम भगवान के मंदिर उनके प्रतिरूप में आप उनको पैदल चला रहे हो और फिर 5-5 रुपए, 1-1 रुपए, भैया ये बहुत गलत, हमको खुद को अच्छा नहीं लगता है। और आज हम मंदिर में पैसे चढ़ा रहे हैं, क्या हम ठाकुर जी को पैसे की कमी है? हमको दिया किसने? उन्होंने दिया। जो हम बोलते हैं तन मन धन सब तेरा तुझको अर्पण, तो भगवान ने दिया हमको। तो हम हमारे क्या हम है कि हम उनको चढ़ाएं? हम जो चढ़ाते हैं पुजारी जी के लिए होता है, वो पुजारी जी के लिए जाते। ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मणों को प्रसन्न खुश करने से भगवान अपने आप प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में निश्चित तौर पर जो श्रद्धालुओं की जो बातें थी उनमें भी उनके मन में कहीं ना कहीं इन शब्दों को लेकर एक टीस है, एक आक्रोश है, एक असंतोष है कि निश्चित तौर पर इन शब्दों पर प्रतिबंध लगने की सख्त ज़रूरत है, तभी आम जन की आस्था और विश्वास कायम रह पाएगा। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।